हाय एवरीवन, अरे थक गए और यहाँ पर नीचे बंडरी डाल के बैठ गए। बहुत सारे लोगों ने छपरी इंडिया का 350 रुपए। लेट्स नॉट हार्म देम बट थोड़ी सी मस्ती करते हैं। वापिस से गाड़ी बैक करके लगानी पड़ रही है क्योंकि पार्किंग ही नहीं मिल रही है। यहाँ पार्क कर दी है बट यहाँ पर नो पार्किंग लिखा हुआ है। अक्टूबर 7th टू संडे अक्टूबर 9th 7 PM टू 5 AM व्हीकल्स विल बी टोल्ड नवरात्रि फेस्टिवल। यार मुझे डर लग रहा है, क्या करूँ। हाय गाइस, रणवीर दी हियर, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। तो नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है कि आज शायद ये आखिरी दिन है नवरात्रि का और मैं जर्सी सिटी पहुंच गया हूं। रात के अभी बज रहे हैं 11। आज कुछ भी मेरी प्लान नहीं थी कि मैं यहां पर आऊंगा और शूट करूंगा बट मैं यहां पर आ गया हूं। एक बार जोर भी जय करो तो करो, बोलो श्री अंबे। हाँ ब्लॉग में कैसे चल रही है नवरात्रि। बस अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है। गुड गुड, और यू गाइस गुड गुड। आई मीन वी आर फ्रॉम न्यू जर्सी ओनली। अच्छा, वी आर स्टेइंग फॉर अराउंड 5 मिनट्स। अच्छा, मैं सब वीडियो देखता हूं काफी, मतलब यहां पर खड़ा हूं आके और इतने लोग आके मिले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सच बताऊं तो मैंने एक रिस्क उठाया था। मैं सोचा था कि इतने बजे होंगे लोग कि नहीं होंगे बट इतनी ज़्यादा भीड़ है एंड इट इज़ वर्थ कमिंग एट दिस टाइम ऑल्सो। अपने पीछे बाय। अभी मैं आप लोगों को कुछ कैरेक्टर्स दिखाऊंगा, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर जो डांडिया खेल रहे हैं गरबा कर रहा है कौन सा है, प्लीज बताना। यार अपने इंडियन फेस्टिवल्स की बात ही कुछ और है यार। मैं बढ़िया हूँ, तुम लोग कैसे हो। रिजल्ट कितने भी लोग नाच रहे हैं उनको ठंड नहीं लग रही है बट लिटरली मैं आप लोग को बात बताऊँ ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं अपनी जैकेट अपने साथ हमेशा रखता हूँ और मैं चला जैकेट पहनने के लिए, जैकेट पहनता हूँ और फिर वापस अंदर जाता हूँ। लास्ट ईयर पूरे विंटर मैंने ये जैकेट पहन के निकाल दिया, अभी इस साल भी यही होने वाला है बिकॉज आई लव दिस जैकेट यार। तो अभी मैं मिला हूँ दीप पटेल भाविक त्रिवेदी और जितने भी लोग मुझे यहाँ पर मिले हैं ना मेरा गला बैठ गया। सब लोग यहाँ आजू बाजू में रहते हैं, आप कहाँ पर रहते हो। मैं बोरी स्टेक पे। हाँ बोरी स्टेक, बोरी स्टेक। और सुना है कि आज ही दोनों मूव हुए। या या। और कितने बजे तक चलने वाला है गरबा ये। 3 बजे का। 3 बजे तक। मैं अभी घुसा ही हूँ, इतना बात किया है मेरा गला बैठ गया है तो अभी जो जो भी मिलने वाला है उनसे बात कराने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू, थैंक यू। ये बोल रही अच्छी नहीं लगूंगी मैं इसलिए वीडियो में नहीं आ रही, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। हाय एवरीवन, माय नेम इज प्राची एंड आई एम फ्रॉम इंडिया मुंबई, आई एम स्टडीिंग इन पेस यूनिवर्सिटी। और प्राची अभी अचानक से आई मेरे पास और अपना फोन दे दिया, बोल रहे कि मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, प्लीज मैसेज रिकॉर्ड करो। अभी मैसेज रिकॉर्ड करके डालो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बाय। से देख के अंदाजा लगा लो कितनी भीड़ लगी है वो वहां से यहाँ खत्म हो रहा है। तो अगर किसी को पता नहीं है ये जगह है जर्सी सिटी इंडियन स्क्वायर और ये जो पूरा एरिया है पूरा पूरी जो लेन है सारी इंडियन स्टोर से भरी पड़ी है और यहाँ पर हर इंडियन फेस्टिवल त्यौहार मनाते हैं हर एक।
आप लोग सबको एकदम प्रॉपर इंडिया वाली फीलिंग दे दूं इंडिया वाली फीलिंग एकदम। हेलो उधर आंटी जी गरबा करते करते थक गई, उधर ही बैठ गई, इतनी क्यूट है। और इतने लोग मिले हैं मुझे यहाँ पर, जहाँ मैं जा रहा हूँ हाथ दिखा रहे हैं, हेलो हाय हो रहा है। तो दैट्स अ रियली वंडरफुल फीलिंग, आई फील वेरी वेरी गुड। और सब लोग आके प्यार से बात कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग आए हैं बात किया है, मैं हमेशा बोलता हूँ थैंक यू सो मच। आया ना क्या पैर ठीक है कि नहीं है विजय भाई? कितना महीने पहले आपका पैर एक्सीडेंट हुआ था? 9 महीना। 9 महीने पहले विजय भाई के पैर का एक्सीडेंट हो गया था और अभी तक वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं और हम लोग चाय ढूंढ रहे हैं। भीड़ बाप रे बाप। यहाँ पर हाँ चलो क्या हुआ है क्या यहाँ पर? चाय आ गई ढूंढ रहे। ओह देखो मत दिखाओ मत दिखाओ विजय भाई, उनकी उनका एक्सीडेंट हुआ था वो फोटोज दिखा रहे हैं वाला, मत दिखाओ। चाय अच्छी है? नहीं मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ। अंदर मुझे शॉप ओनर बोलती हैं कि अंदर रिकॉर्ड मत करो, मैं बोला मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर बाजू वाला आदमी बोलता है भाई ब्लॉगर है तो रिकॉर्ड नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। अच्छा मैं मेरे को बात बताओ, सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो बताओ? क्या हो गया थक गए? नहीं नहीं गए सर, हम थक नहीं गए, हम फ्लोरिडा से आए हैं। फ्लोरिडा से आए? थक कैसे गए? थक नहीं गए, एंजॉय कर रहे हैं गरबा। हाँ हमने किया गरबा। अच्छा कीर्तिदान गढ़वी में गए थे, बहुत बकवास कर रहे थे। फ्लोरिडा में नहीं होता है क्या गरबा? अच्छा बहुत ही अच्छे गरबा। तो फिर आप लोग यहाँ क्यों आए? और यहाँ पर कितने बजे आए? 11 बजे। और अभी 1 बज रहा है, मैंने थक गए और यहाँ पर नीचे बंडरी डाल के बैठ गए। कैसे हमारी चाय सुबह की आपके सही हो? बहुत ही टाइम से ट्रेन कर रहे थे और आज बहुत ही दिनों के बाद मिला मौका, यूएस आने के बाद पहली बार, बाद में जल्दी मिलेंगे अहमदाबाद से। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा आते हैं कपड़ा वपड़ा पहन के गरबा खेलते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं छपरी खेला। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। घर जाने का मेरा टाइम हो गया है और यहाँ पर मुझे मिली है अनुजा। अनुजा शुभम। शुभम सागर। सागर एंड दीज टू आर वेरी वेल ड्रेस्ड। कहाँ से लेकर है? मैं ये इंडिया से लाया हूँ। ये इंडिया का है, 350 रुपए। और टेल मी द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग हियर, मेरे को एक बात बताओ जो तुमको बहुत अच्छी लगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग हियर दैट वी आर नॉट मिसिंग आवर होम, बीइंग हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड एंजॉयिंग गरबा इज रियली अल्टीमेट थिंग। इट्स द वाइब्स, लुक अराउंड, इट्स लाइक यू आर इन इंडिया। प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। Everything, the music, the people, and like the way they are coordinated about dancing and acceptable of people that don't know about them. So, what? Did you dance? Yes, I did. I did a lot of it. आपको हिंदी आती है? हाँ। गुजराती? नहीं। गुजराती नहीं आती। Okay, but overall, totally, it was really, really fun. Thank you so much. Thank you. Good night. Happy
कैमरा में सामने बोल रहा हूँ, सबके सामने सच बोल रहा हूँ, मुझे गरबा नहीं आता, मुझे गरबा नहीं। चलो हम लोग सिखा देंगे आज। और ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने मेरे गरबा वाली वीडियोस देखी है, बट वो गरबा नहीं है, वो बॉलीवुड डांसिंग है, मुझे गरबा नहीं आता। ये जो ऑथेंटिक गरबा हो रहा है ना, वो नहीं आता। देखते हैं ये लोग कैसा गरबा करते हैं। लेके गया था, अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स आ रहे थे, और जैसे मैं ड्रोन को नीचे लेके आ रहा था, लैंड कर रहा था, वहाँ पर तीन हिरण खड़े थे। लेट्स नॉट हार्म देम, बट थोड़ी सी मस्ती करते हैं। और मेरे ड्रोन में प्रॉप गार्ड्स लगे हुए हैं, तो अगर ड्रोन थोड़ा आगे भी जाते हैं तो इट वोंट हार्म देम। तो मैं थोड़ा सा आगे लेके गया और जूम किया, तो वो एक हिरण तो डर ही नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अटैक करने आएगा। और मेरा ड्रोन फास्ट है, अगर आगे आता भी था तो मैं फटाक से पीछे ले लेता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी के करता क्या है, इतना इंक्यूजिटिव है, उसको सब जानना है, और देख रहा है ऐसा मेरे ड्रोन को इतने घूर घूर के। और बट फाइनली मैंने पीछे ले लिया। कितनी बार ऐसा होता है रात को जब भी मैं इस रोड से आता हूँ हमारे घर की तरफ, गाड़ियों के आगे आ जाते हैं, अगर गाड़ी अपर में ना हो ना लाइट उसकी, तो दिखते नहीं है, अगर गाड़ी डिपर में तो इस लेन में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर जब मैं आता हूँ तो हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि अपर पे चलाऊँ। ए लड़ो मत, गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं करनी है। कुको गुड मॉर्निंग मैंगो, गुड मॉर्निंग। तो कल रात को गरबे में अच्छा खासा मज़ा आया, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी देर रात तक चलेगा, और लेकिन चला, बहुत मज़ा आया। गुड मॉर्निंग अनिल जी। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? एवरीथिंग इज ओके? एवरीथिंग। कल कैसा रहा आपका गरबा का? कल अच्छा था, मैंने कीर्ति जी को बोला भी, तभी कीर्ति जी नहीं आ रही, कैमरा में बोल रही मुझे नहीं आना है, थोड़ी शर्मा रही हैं। अनिल जी भी नहीं आना चाहते थे, तो कल का तो अच्छा था, मुझे लगा था कि इतने लोग नहीं आएंगे, बट बहुत सारे लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अभी साथ में जाना है, आज बिजी डे है, उसके बाद फिर बाहर का ट्रिप बन रहा है। अच्छा, जा रहे हैं ऑरलैंडो? नहीं जा रहे, इंडिया जा रहे हैं अनिल जी। अनिल जी जा रहे हैं इंडिया। क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बता दो क्यों जा रहे हैं? सम पर्सनल वर्क। जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि हर इंसान अपनी हर एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं देना चाहता। और फिर रात को गरबा होने के बाद मैं वहीं पर जर्सी सिटी से 5 मिनट दूर ही मेरा भाई रहता है, उसका जॉब, एक्चुअली में उसका जॉब है जो नाइट ड्यूटी लगी हुई थी उसकी, तो वहाँ पर गया उसके साथ, उसको मिला और बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक किया, और वहाँ से मैं निकला कुछ 2:30 बजे, घर पर आया, ये वाला जो व्लॉग देख रहे हैं इसको एडिट किया, एंड तक एडिट किया, सुबह वाला सेक्शन है अभी शूट कर रहा हूँ, अभी जाके इसको एडिट करके अपलोड कर दूंगा। तो इस व्लॉग को इधर तक ही रखता हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा है। कमेंट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आप लोग को बोलता रहता हूँ कमेंट्स करना, तो कमेंट कर देना। और अगर आप लोग नए मेरे चैनल पर, डू सब्सक्राइब एंड वेलकम टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल, एंड प्लीज़ बी सेफ। बाय बाय।